पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के हर हाथ को काम देने की योजना बनाकर प्रदेश को अग्रसर कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में भाजपा की सरकार भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक जनपद एक उत्पाद योजना बनाकर सरकार ने उद्योग को बढ़ावा दिया है तो हर हाथ को काम देकर युवाओं को एक नई राह पर ले जाने का काम भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2.0 की सरकार ने इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल को 100 दिनों की योजना बनाकर काम करने का आदेश दिया है, तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश सरकार विभागों को भी 100 दिन का टारगेट देकर काम करने में लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताते हुए उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार ने बताया कि इस बार सरकार ने 100 दिनों का लक्ष्य उद्योग विभाग को दिया है, जिसमें 20% की स्वीकृति और 10% का वितरण लक्ष्य दिया गया है, जिसे जून माह तक पूरा करना है। अनुज कुमार ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में उद्योग विभाग इस बार रणनीति बनाकर काम कर रहा है, जिसके लिए विभाग अपने आर्टिजन्स को साथ लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया कराएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार सभी विभागों को डिजिटल करने पर जोर दे रही है, तो वहीं मुरादाबाद का उद्योग विभाग भी हस्तशिल्पियों की समस्याओं को एक रणनीति बनाकर डिजिटल माध्यम से हल करना चाहता है। तो वहीं हस्तशिल्प अवार्डीज को साथ लेकर व्हाट्सएप और ट्विटर को अपना कर हर घर तक सरकार पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है। 100 दिन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत हमारी जितनी भी ऋण से संबंधित योजनाएं हैं, जो स्वरोजगार स्थापित करने के संबंध में है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, इनके अंतर्गत हम लोगों को महा जून तक 20% स्वीकृति और 10% वितरण का हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हमारा विभाग की ओर से हमें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और हमारे जनपद में इसके लिए एक रणनीति बना करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा देखिए, हम लोगों की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी के सभी योजनाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संचालित है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग अपने आर्टिजन्स को, अपने जो हस्तशिल्प अवार्डीज हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने का बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज हमारे अवार्डीज के साथ में एक बैठक भी आज आहूत की थी। उन लोगों के लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बना रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको विभाग की समस्त योजनाएँ, समस्त मेलों की जानकारी हम ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते रहेंगे। कब कब कहाँ कहाँ मेला संचालित हो रहा है उसकी भी हम जानकारी उनको उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि कोई वेंडर या कोई बायर कोई आइटम्स परचेज करने में इंटरेस्ट अपना शो करता है तो उसके संबंध में भी उनको जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आज ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे अवार्डीज़ हैं, ये अवार्डीज़ का अपने क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रभाव है और इनके साथ भी काफ़ी संख्या में हमारे हस्तशिल्पी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अब अपने अवार्डीज से हमने रिक्वेस्ट किए कि आप हमें कोई भी दिन और समय नियत करके हमें बता दीजिए, अब उन आर्टिजन्स के साथ में और इन अवार्डीज़ के साथ में हम उन्हीं के क्षेत्रों में हम लोग उन्हीं के बीच में बैठ करके और विभागीय योजनाओं के संबंध में उनको जागरूक करेंगे, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और यदि कोई किसी योजना के अंतर्गत लाभ लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो उसके संबंध में भी हम अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा जो जो आवेदक हैं, जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन लोगों को किस तरह से काम मुहैया कराने के लिए आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो उनकी फाइलें हैं उनको आपके पास आमंत्रित किया जाता है, इसके बाद किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग अवार्डीज के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर भी हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं, हम स्वयं भी अब ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर में जाएंगे, आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में, लोगों से मिलने के संबंध में, लोगों के संबंध में विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के संबंध में हम ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर पर भी जाकर के उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके पश्चात जब हमारे पास आवेदन पत्र आते हैं तो हम उनको बैंकों को भेजते हैं, बैंकों में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसका भी निराकरण कराने का हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं। विगत वर्षों में भी हम हमेशा अपने लक्ष्यों की पूर्ति
प्राप्त करते रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा लक्ष्य से 1.5 से 2 गुना तक की प्रगति हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में भी प्राप्त की है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे 100 दिन का हमें लक्ष्य जो मिला है 20% स्वीकृति और 10% वितरण का, हम लोग अपना लक्ष्य जो है 25% वितरण का मान करके इस वर्ष में इन 100 दिनों के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और हम कटिबद्ध हैं उस लक्ष्य की पूर्ति। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।